हजरत अली रजी अल्लाह तला की माल की तकसीम करना मेरे दोस्तों लेकिन हजरत अली ने उसको एक एक, एक, एक तैयार नहीं थे सबके सब माल को तकसीम कर दी और फरमाया धोखा तो मत देस फॉर वॉचिंग डाउन फॉर गेट लाइक एंड सब्सक्राइबो हजरत अली रजिया की माल की तकसीम करना मेरे दोस्तों हजरत है कि उन्होंने एक साल में तीन मरतबा तकसीम करते क्या करते थे एक साल में तीन मरतबा अतियात तकसीम क्या करते थे फिर आपके पास इस पैन में से कुछ माल आ चुका है कुछ अतिया आ चुके अतिया आने के बाद हजरत अली रजियाल्लाह तला को ली रजियाला तला ने अपने लोगों को ऐलान कर दिया लोगों तुम लोगों को बता दो कि सुबह ही सुबह तुम लोग अपने हतिया लेने के लिए आ जाओ मैं तुम्हारे खाजे नहीं हूं मैं तुम्हारे माल की चौकीदारी नहीं कर सकता हूं यह माल तुम्हारी है इसकी तुम हकदार हो लिहाजा अपने माल के लिए सुबह ही सुबह आकर यहां पर जमा हो जाना यह अली रजी अल्लाह तुम फरमाया मैं तुम्हारे खाजे नहीं हूं फिर फरमाया अली रजी अल्लाह तुम जो उसमें रस्सी था उस रस्सियों को भी तकसीम कर दी है बाद ने उसको कबूल किया और बाद ने उसको वापस कर दी है। है? रस्सी किस काम की कहने लगा भाई रस्सी क्या करेंगे? रजी हो के तुम इसकी तुम्हारे कबूल करो या ना करो कबूल करो या फेंक दो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है लेकिन हमारी हक बनते हैं हम अमीर की बिन माह महज बिन अल्लाह की दादा फरमाते हैं कि मैं हजरत अली अबी तालि तु से सुनाजी तुन फरमाते रहे बिन अल्लाह की दादा फरमाते हैं कि मैं हजरत अली रजी अल्लाह तु से अली अबी तालब रजी अल्लाह तन से सुना कि हजरत अली रजी तरमाते थे कि मुझे माल माल में से, <से कुछ भी नहीं मिले मुझे माले में से यानी माले में से मुझे कुछ भी नहीं मिली मिला तो क्या ना तो फरमाने लगा तुम्हारे ये दस शीशिया मिली ये दस शीशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला फिर हजरत अली कोई माल लेकर आती फरमाए कि एक देखान ने हदिया दी हजरा अली रज तला को पहले फरमा दी अला उनकी दादा ने सुना अली रजिया तला से के के मुझे माले फ़ाय में से माल गनीमत में से कुछ भी नहीं मिला ये सवाई शीशी की इस शीशी के अलावा तो फिर उनके पास कुछ माल आ जाते हैं के देहात उनको कुछ हदिया दे देते हैं उस हदिये को हजरत अली रजी अल्लाह माल बैतुल माल में जमा करके उसको तकसीम कर देते हैं यह थेबानी के के रवायत करते हजरत अली रजियन जब जिजिया और खराज लेते थे जो लोग जो काम करते थे यानी सूई बनाने वालों से सुई भी लिया करते थे और दागा बनाने वालों से धागा लिया करते थे रस्सी बनाने वालों से रस्सी लिया करते थे बल्कि फरमाया कि हजरत अली रजी अल्लाह रजिया जो चीजें ना जब जबिया वगैरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला लेते थे और खराज तो वो सब चीजें ले लेते थे जो पेशावराना तौर पर जो है सब चीजें लेता था जो चीज जो बनाते हैं जिस चीज का उसका कारखाना था जो चीज वो तैयार करते थे तैयार कर रहा था वही चीज हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनसे ले लेते थे हजरत मंत्रा यह भी फरमाते हैं कि मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला की खिदमत के एक दिन हाजिर हुआ आपके पास कंबर ने आकर कहा जो माल देने वाला तकसीम करने वाले उसने क्या आकर कहा ए अली रजी अल्लाह तआला कि माल में आपके हालोयाल का तो भी हिस्सा है अब कैसे आदमी है अब सारे के सारे माल लोगों को तकसीम कर देते हैं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते सारे माल आप तकसीम कर देते हैं तो आपके आलोयाल याल का भी तो हक है अब अपने आलोयाल याल के लिए भी तो कुछ माल रखा करें हजरत अली कहने लगा कि ये माल मेरा नहीं है मैं इस माल माल की खासिरतर नहीं हूँ यह सब सबकी माल है मैंने उसी वक्त में सबको तकसीम कर देता हूं कंबर ने कहने लगा आई अमीरुल मोमिनीन मैंने आपके लिए कुछ माल छुपा कर रखा हूं तो कहने लगा मैंने आपके लिए कुछ माल छुपा कर रखा अब रजी अल्लाह तला ने फरमाया हज़रत हाँ सैयद अली रजी अल्लाह ने कहा कमर कहाँ चलिए वो दिखाइए कहाँ पर है वो माल जब कहा के देख लीजिए वो माल क्या है रावी कहते हैं जिस कंबर ने आपको एक कोठरी में दाखिल किया कंबर ने आप हजरत सैदनाजी अल्लाह तला को एक कोठरी में दाखिल किया दाखिल करने के बाद दिखा था वहां बड़े लंगन बडे बड़े लंगन सोने और चांदियों की बर्तनों से भरी हुई थी जब कंबर ने कोठरी में ले गए अली रजियलाहू को दिखाया तो दिखा बड़ी बड़ी लंगन और फिर उसमें सोने और चंदी की बर्तनों से भरी हुई थी पूरा कोठरी हजाली रजियाल्लाह तला कहने लगा हजाली रजियाल्लाह ने यह देखकर फरमाया खेरे तेरी माल तुझे गुम करे तेरे माल तुझे गुम करे तूने तो मेरे घर के अंदर आग दाखिल करने के लिए कोशिश इरादा किया तूने मेरे घर में आग दाखिल करने का इरादा कर लिया था अल्लाह इज्जत ने मुझे इस आग से हिफाजत फरमा दिया और कहने लगा आए दुनिया तुम मुझसे दूर हो जा दफा हो जा मुझे दुका ना दे गैर को दुकान दे मुझे दुका ना दे गैर को दुखा दे तू ये थे मेरे दोहर दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह अदल इंसाफ और माल तकसीम करने का तरीकाकार है माले माल माल गनीमत बैतुल के अंदर कोई भी माल आते थे उसी वक्त में सारे माल तकसीम कर देते थे अपने लिए भी कुछ नहीं रखते थे अपने लिए भी कुछ नहीं रखते थे और कंबर जब कहने लगा कि मैंने तुम्हारे घर के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए तुम्हारे आलो याल का भी तो हक है तो बोले तूने मेरे लिए माल छुपा के रखा कहा है दिखा दे जब दिखाया सोना और चांदी सोने की बर्तन और चंदी की बर्तने और लंगने भरे हुए पूरा कोटरी के अंदर पूरा कोठी भरा हुआ है हजरा उस माल को नहीं देखा बल्कि उसको कहने लगा तेरे माल तुझे गुम करे कि तूने मेरे घर के अंदर आग दाखिल करने की इरादा किया था लेकिन आज दुनिया की मेरे दोस्तों दुनिया की हमारे बादशाह हमारे दुनिया की अमीर उलमोमिन क्या करते मेरे दोस्तों हमारे दुनिया की जो अमीर है हमारे जो वजीर वजारा है मेरे दोस्तों ये क्या सोना चांदी बल्कि वो देख कर तो बोलेगा तूने बड़ी अच्छा काम किया है शब्बाश्बाश तूने बहुत बड़ी काम किया बहुत बढ़िया काम किया ये कहकर उसको शब्बाशी देते रहोगे और उसको थपकी लगाओगे कि भाई तूने बड़े जबरदस्त काम किया कि सारे सोना चंदियों को तूने छुपा कर रख लेकिन हजरत अली ने उसको एक एक चीज भी एक आने भी लेने के लिए एक दराम भी लेने के लिए तैयार नहीं थे सबके सब माल को तस्सीम कर दी और फरमाया आई दुनिया तो मुझे धोखा मत दे गायर को धोखा दे मुझे धोखा मत दे गायर को तो धुखा दे मेरे घर में दाखिल नहीं होना गायरों की घरों में दाखिल होना